सज्जनों, आज आप लोगों को 20वीं सदी के महान संत सदगुरु महर्षि मेही परमहंस जी महाराज की अमृतमयी वाणी का सार गर्भित बात आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक, इलाज रोग की होती है, मौत की नहीं। तो सुनिए, एक राजा था। एक राजा गाय का घी खाना पसंद नहीं करता था। एक बार वह खूब बीमार पड़ा। राजा ने वैद्य से कहा, देखो मुझे गाय का घी नहीं देना। वैद्य ने गाय के घी में दवा तैयार करके राजा को दे दी और राजा से कहा कि मुझे कोई तेज सवारी दीजिए, शीघ्र एक दूसरे रोगी को देखने के लिए जाना है। वह तेज सवारी पर चढ़कर भागा। इधर राजा ने दवाई खाई तो पता चला कि उसमें गाय का घी मिला हुआ है। उसने दूसरी तेज सवारी पर एक आदमी को उस वैद्य को पकड़ने के लिए भेजा और कह दिया कि देखो उसका दिया हुआ कुछ नहीं खाना। उस आदमी ने रास्ते में उस वैद्य को पकड़ा। वैद्य ने कहा कि राजा को ऐसी दवाई दी है जिससे रोग अवश्य छूट जाएगा, जाइए उनसे कह दीजिए। उस वैद्य का नाम था जीवक। जब राजा का रोग समाप्त हो गया तब उसने जीवक को बहुत इनाम दिया। बहुत रोग ऐसे होते हैं जो छूटते ही नहीं, फिर भी लोग इलाज कराते हैं। दवा करने से रोग छूट भी जाते हैं लेकिन मौत की इलाज नहीं। धनवंतरी का बेटा मर गया था। उसने बेटे की बहुत दवाई की फिर भी मरने से उसे बचा नहीं सका। धनवंतरी सब दवाइयां लेकर यह सोचकर फेंकने जा रहा था कि अब इनमें रोग निवारक शक्ति नहीं रही। ऊपर से एक फरिश्ता उतरा और उसने धनवंतरी को दवाइयां फेंकने से मना किया। फरिश्ते ने कहा, देखो तुम्हारी सब दवाइयां ठीक है, अगर तुमको विश्वास नहीं है तो उस तालाब में पानी जमाने की दवाई देकर देखो। तालाब में दवाई डालते ही पानी जम गया। फरिश्ते ने कहा कि तुम रोग की चिकित्सा कर सकते हो, मौत की नहीं। उसी तरह परीक्षित का हुआ। उनको उतने ही दिन रहना था। तक्षक सांप ने काटा और वे मर गए। उनको भी जिलाने वैद्य जा रहे थे। रास्ते में तक्षक से भेंट हो गई। तक्षक ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। वैद्य ने कहा कि राजा परीक्षक को तक्षक काटेगा और मर जाएंगे, मैं उन्हें जिला दूंगा। तक्षक ने कहा कि आप यह देखकर कहिए कि अब उनकी आयु शेष है या नहीं। वैद्य ने कहा कि आयु तो नहीं है। तब तक्षक ने कहा, तो आप किस लिए जाइएगा, आप लौट जाइए, मैं ही तक्षक हूँ, मैं उनको काटूंगा और वे मर जाएंगे। मौत का इलाज नहीं और रोग का इलाज होता है। जिसकी आयु जितनी है उतनी ही रहेगी। परवल की सीर निकालकर उसके रस को सांप काटे हुए व्यक्ति की नाक में देने से कैसा भी विष हो उतर जाता है। एक जगह ऐसा हुआ कि यह रस नाक में देने की ही नहीं दिया, वह मर गया।
तो कहने का आशय है कि दुनिया में जितना भी रोग है उसका इलाज संभव है, लेकिन मौत का इलाज नहीं। तो इसलिए समय रहते सत्कर्म में लग जाइए। श्री सद्गुरु महाराज की जय।